हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो और आपको जो है उसमें कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया चाहिए, तो ऐसे में आप जो है स्मार्टफोन वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और हाँ, एक और चीज़ मैंने और डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ उनकी लिंक दी है और कई सारे स्मार्टफोन्स की लिंक भी दी है, तो आप जो है उनको परचेस कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरा नाम है विनायक चारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अभी जो ज़माना है वो चल रहा है स्मार्टफोन्स का। जी हाँ, यानी कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं और हम जो है वो देख रहे हैं कि कौन सा स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देता है और कौन सा नहीं। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आपकी बहुत बहुत मदद करने वाला हूँ। तो आपको मैं टोटल जो है चार चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यानी कि आपको जो है कभी भी मेगापिक्सल जो होते हैं वो कभी भी नहीं देखने चाहिए स्मार्टफोन में। जी हाँ, कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे स्मार्टफोन में तो आपको ज़्यादा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्मार्टफोन में कई सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कॉम्बिनेशन के होते हैं, ऑटो फोकस कैपेबिलिटी होती है, किसमें जो है बहुत ही बड़ी आपको फ्लैश जो है देखने को मिलता है, किसकी पिक्सल साइज जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, किसका जूम लेवल अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में एक चीज़ में मत पड़ जाना कि अगर ज़्यादा पिक्सल जो होंगे तो आपका जो है कैमरा क्लैरिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो ऐसे में आपने देखा होगा रेडमी के नोट 7 प्रो, ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है जिसमें आपको सोनी का सेंसर मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ओप्पो F11 प्रो की, तो उसमें भी आपको एक 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ओप्पो F11 प्रो है उसमें आपको क्लियरिटी और ज़्यादा क्रिस्पियर फोटोज़ मिलते हैं क्योंकि इसमें 6P लेंस जो है वो फिट किया है। तो ऐसे में यही डिफरेंस रहता है कि आपको जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बेस्ड होते हैं सारी चीज़ें और आपको लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे तो ज़्यादा क्वालिटी होंगी, तो इसी वजह से ऐसी सोच में मत पड़ जाना। तो दोस्तों, अगला फैक्टर है लाइटनिंग का। जी हाँ, तो ऐसे में हमको पता है कि अगर हम दिन में बाहर जाते हैं या फिर दोपहर के टाइम में बाहर जाते हैं तो हमको जो है बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी जो है देखने को मिलती है ये सारे स्मार्टफोन्स में, क्योंकि सुबह का टाइम जो है वो सनलाइट का टाइम होता है और आपको जो है बहुत ही बढ़िया फोटोज़ देखने को मिलती है। पर यहाँ पर बात आती है शाम की और रात की। जी हाँ, तो ऐसे में कई सारे स्मार्टफोन्स होते हैं जो लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया देते हैं, तो इसकी वजह से आपको जो हमेशा जो लो लाइट परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन का वो हमेशा चेक करना चाहिए कि वो जो है रात में या फिर शाम को कितनी बढ़िया आपको फ़ोटोज़ देता है या फिर सेल्फीज देता है। तो इसकी मदद से आप जो है अपना फ़ोन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको कई सारे स्मार्टफोन पे जो है पूरी डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि कैमरा कंपैरिजन मिलता है, कैमरा की पूरी डिटेल्स मिलती है, कैमरा के सैंपल्स मिलते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तो सारी चीज़ें जो है आपको मिल सकती है। बस आप जो है एक बार पूरी चीज़ें जो है देखनी चाहिए कि ये फ़ोन जो है वो कैसा है। तो दोस्तों, अगली चीज़ है पोर्ट्रेट मोड। जी हाँ, तो ये जो पोर्ट्रेट मोड होता है वो सेल्फी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार होता है कि जो पोर्ट्रेट मोड होता है वो बहुत ही घटिया होता है कई सारे स्मार्टफोन्स में, जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो कई बार ब्लर ही नहीं होती है, तो ऐसे में फ़ोटो जो है वो घटिया दिखने लगते हैं। तो आपको जो है हमेशा पोर्ट्रेट जो है वो चेक करना चाहिए कि पोर्ट्रेट मोड जो है वो कितना बढ़िया है उस स्मार्टफोन में या फिर आपके स्मार्टफोन में, तो इसकी मदद से आप जो है वो बहुत ही बढ़िया सेल्फी जो है वो खींच सकते हैं इसकी मदद से। तो ये भी जो है नेसेसरी एक चीज़ होती है पोर्ट्रेट मोड। जी हाँ, तो ये भी अभी कंपलसरी हो चुका है सारे स्मार्टफोन्स में। तो दोस्तों, सबसे लास्ट चीज़ और सबसे मेन चीज़ वो है इंटेलिजेंट कैमरा। जी हाँ, यानी कि ये अगर हो आपके स्मार्टफोन में तो आधा काम जो है आपका स्मार्टफोन ही कर देता है, यानी कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई सारे स्मार्टफोन में आपने देखा होगा आपको AI जो है देखने को मिलता है सामने वाले कैमरा में, पीछे वाले कैमरा में, तो AI जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में AI है तो आधा का आधा काम जो है वो स्मार्टफोन ही कर देगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AI जो है वो ऑटोमेटिकली जो है फेस डिटेक्ट करता है और आपको ब्यूटी मोड जो है वो प्रोवाइड करता है, और कई बार जो है पोर्ट्रेट मोड भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। इसके साथ अगर लो लाइट है तो भी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से वो प्रोवाइड करेगा आपको, और इसके साथ में वो सीन डिटेक्शन में भी आपकी मदद करेगा कि ये अगर आपने फ़ोटो पकड़ी है तो ये कौन सी चीज़ है, या फिर वो लैपटॉप हो या फिर वो पत्ते हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स, तो सारी चीज़ें जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पूरा का पूरा आपका स्मार्टफोन का काम कर देता है। तो ये अगर स्मार्टफोन में आपके है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आधा काम जो है वो कर देगा। और आधा काम जो है मैंने पहले 3 पॉइंट्स में बता दिया। तो ये थे कुछ 4 टिप्स अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं फोटोग्राफी के लिए। जी हाँ, तो ये 4 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में
में रखनी चाहिए और आपको जो है हमेशा चेक करके देखना चाहिए। कई सारी चीज़ों पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब और गूगल आपको सारी चीज़ों पे मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।